संत रविदास जयंती के अवसर पर ब्राह्मणों पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा दिए गए बयान के बाद देश भर में पंडित और ब्राह्मणों का आक्रोश चरम पर है। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी मोहन भागवत के खिलाफ थाने में शिकायत या आवेदन देकर एफआईआर की मांग की गई है। ये शिकायती आवेदन ब्राह्मण समाज के वकीलों ने दिया। ग्वालियर के इंदरगंज थाने में वकीलों ने शिकायती आवेदन देकर उच्च कार्रवाई की मांग की। शिकायती आवेदन देने पहुंचे ब्राह्मण समाज के अधिवक्ताओं की मांग है कि मोहन भागवत ने जाति विशेष को भड़काने वाला बयान दिया है, जिससे देश में वैमनस्यता फैल रही है। इतने बड़े पद पर होने के बावजूद जाति विशेष के प्रति इस तरह का बयान उनकी मानसिकता को दर्शाता है। थाने में मोहन भागवत के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग को लेकर पहुंचे अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि पुलिस मामला दर्ज नहीं करती तो हम कोर्ट में जाने के लिए स्वतंत्र है। अभी हाल में हमारे द्वारा पुलिस थाना इंदरगंज पे एक आवेदन दिया गया है संघ प्रमुख मोहन भागवत जी द्वारा। 647वीं जो जयंती थी संत शिरोमणि रोहिदास जी की, उसमें एक जो स्टेटमेंट दिया है कि कास्ट सिस्टम इज क्रिएटेड बाय पंडित नॉट क्रिएटेड बाय गॉड। उस बयान को, उनके स्टेटमेंट्स को जब पूरी तरह से सुना जाए और अवलोकन किया जाए तो देखने पर दर्शित होता है कि उनके द्वारा समाज को बांटकर जातिगत अलगाववाद लाकर आज अभिभाषक गण द्वारा एक आवेदन से लेखी आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि संघ प्रमुख द्वारा जातिगत कोई विशेष टिप्पणी की गई है, एक वर्ग विशेष पर टिप्पणी की गई है, जिसके कारण उनका एक शिकायती आवेदन आज प्राप्त हुआ है। इसको जाँच में ले रहे हैं, जैसा भी वैधानिक कार्रवाई भी करेंगे।